Hi guys, कैसे हैं आप सब? So welcome back to my channel firstly and thank you for so much overwhelming response on my last video which was a no makeup makeup look. I hope आप सबको ऐसे makeup tutorials पसंद आते हैं और आप कैसे video मेरे channel पे देखना चाहते हैं मेरे को comment करके बताइए ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए videos बना सकूँ. So आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं 5 मस्ट हैव साड़ीज फॉर इंडियन ब्राइड्स टू बी. तो ये मैं अपना एक अच्छा सा साड़ी कलेक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें जो साड़ीज हैं वो मेरे वेडिंग ट्रॉसियो में थी एंड ये कुछ ऐसी साड़ीज हैं जो हर एक ब्राइड टू बी के पास होनी ही चाहिए. ये बहुत ही क्लासिक टाइमलेस पीस हैं जिनका फैशन कभी भी आउट नहीं होता है. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द वीडियो एंड लेट्स सी कि कौन कौन सी साड़ीज मैं आपको दिखा रही हूँ. तो मेरे कलेक्शन की पहली साड़ी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल गोटा पत्ती साड़ी. ये देखिए, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल गोटा पत्ती साड़ी एंड इसका जो ये फैब्रिक है ये प्योर जॉर्जेट फैब्रिक है एंड दिस इज पीच इन कलर और इसका जो बॉर्डर है ये मजेंटा कलर में है. एंड मैं पास से आपको दिखाती हूँ कि इस पर कितना ब्यूटीफुल गोटा पत्ती विद कुंदन का वर्क हो रखा है. ये एक बॉर्डर वाली साड़ी है जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ बीच बीच में कुछ ऐसे गोटा पत्ती के फ्लावर्स बने हुए हैं आप देख सकते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी. मैंने ये अपने लोकल मार्केट से ही परचेज की थी और इसमें कुछ कुछ हिंट ऑफ डंका वर्क भी है. ये आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डंका वर्क एंड इसमें गोटा पत्ती और कुंदन का मिक्स वर्क है. दिस इज़ अ वेरी टाइमलेस पीस और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है. तो ये जो साड़ी है ये इंडियन ब्राइड्स की मस्ट हैव साड़ी है बिकॉज दिस साड़ी लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल वैन पेयर्ड अप विद अ कंट्रास्टिंग ब्लाउज. लाइक इस कलर के ब्लाउज के साथ जब आप पहनते हैं तो इट लुक्स वेरी क्लासिक एंड वेरी रॉयल. और ये जो साड़ी है मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज बींग अ जयपुराइट तो गोटा पत्ती तो हमारा फेवरेट होता है. तो ये राजस्थानी ब्राइड्स के लिए एटलीस्ट मस्ट हैव साड़ी है. बाकी सभी को ये साड़ी लेनी चाहिए बिकॉज इसका फैशन कभी भी आउट नहीं होता है. इसका वर्क होते हुए भी मतलब ये काफ़ी हैवी साड़ी है बट फिर भी इसका वर्क बहुत ही सटल और ऐसा है. और आप देख सकते हैं कि इसका वर्क एकदम अच्छे से पेस्ट हुआ हुआ है और इस साड़ी के पीछे भी जहाँ पे वर्क है उसके पीछे ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है ताकि इसका जो वर्क है ये खराब ना हो. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है साड़ी पहनने के बाद. आप देख सकते हैं कि ये कितना मतलब कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये कितनी अच्छी लग रही है साड़ी. सो दिस इज द माई फर्स्ट साड़ी एंड दिस इज मस्ट 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 हैव साड़ी फॉर एवरी इंडियन ब्राइड टू बी. सो आप इसको जयपुर के किसी भी लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हैं. मैंने खुद ने ही जयपुर से ही परचेस किया बिकॉज आई एम अ जयपुराइट. मैं जयपुर से ही अपनी सारी साड़ियों की शॉपिंग करती हूँ एंड जयपुर इज फेमस फॉर इज कलर्स क्लोदिंग एंड ऑल. सो दिस इज द माई फर्स्ट साड़ी एंड आई विल इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ दिस वियरिंग. एक्चुअली ये साड़ी मेरी मॉम ने पहनी थी रिसेंटली एंड शी वॉज लुकिंग फैबुलस. सो आई विल इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ हर एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि ये साड़ी कैसी लगती है पहनने के बाद. एंड दिस इज माई फर्स्ट साड़ी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल कांजीवरम साड़ी. सो लेट मी शो यू दिस साड़ी. आई थिंक ये तो हर एक लड़की का जब शादी होने वाली होती होगी तब ड्रीम होता होगा इस साड़ी को पहनने का बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी. ये एक सिल्क साड़ी है और उसके बीच में ऐसे ऐसे ये बूटीज बनी हुई हैं एंड कॉर्नर पे ये बॉर्डर बना हुआ है. एंड ये पूरी साड़ी ऐसी है मतलब एक जैसा पूरा वर्क है. ऑल ओवर में चारों तरफ बॉर्डर है और पूरी साड़ी में बीच में ये बूटीज बनी हुई हैं आप देख सकते हैं. दिस इज प्योर सिल्क फैब्रिक और जो ये गोल्डन वर्क जो आप देख रहे हैं ये सरी वर्क है. एंड इसको आप बहुत ही अच्छे से अपने आफ्टर वेडिंग फंक्शंस पे और इन सब पे पेयर कर सकते हैं. दिस कॉम्प्लीमेंट्स वेरी वेल विद एवरी ईच एंड एवरी इंडियन ब्राइड. और इसके बाद आप एक लोबन बना सकते हैं अच्छी सी क्लासिक सी गोल्ड ज्वेलरी के साथ इसको पेयर कर सकते हैं एंड दिस लुक फैबुलस ऑन यू. सो ये थी मेरी सेकेंड साड़ी विच इज अ कांजीवरम सिल्क साड़ी. दिस इज रेड इन कलर एंड आई गॉट दिस साड़ी फ्रॉम सिल्क फेस्टिवल जयपुर में. यहाँ जो बिरला ऑडिटोरियम है यहाँ पे कुछ कुछ टाइम के बाद अभी सर्दियों में तो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सिल्क फेस्टिवल लगते हैं. तो वहाँ पे साउथ के और जो उड़ीसा और इधर के जो भी सिल्क हैं जो भी मतलब
ट्राइबल आर्ट्स हैं, वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं अपना अपना फैब्रिक, तो मैंने वहीं से ये साड़ी ली थी एंड आई गॉट दिस ऑन अ वेरी वेरी गुड रेट, सो यू कैन चेक इट आउट. आप कभी भी सिल्क, अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं या फिर आपकी सिटी में भी आई एम श्योर कि कोई भी सिल्क फेस्टिवल तो लगता ही होगा, देन पहन सकते हैं. मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट साड़ी विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डेलिकेट काइंड ऑफ शिफॉन साड़ी, और ये एक कुंदन साड़ी है. इसका एक ये जो पैरट ग्रीन कलर है ये बहुत ही खूबसूरत है, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ. उस पर कुछ ऐसा वर्क हुआ हुआ है, देख सकते हैं ये कुंदन वर्क इस पे हो रखा है, और ये साड़ी भी बहुत ही सुंदर लगती है पहनने के बाद. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी पिक्चर नहीं है इस साड़ी में जब मैंने इस साड़ी को पहना हो. और इसका जो फैब्रिक है दिस इज़ प्योर शिफॉन, ये बहुत ही पतला लाइट वेट आप देख सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड डेलिकेट फैब्रिक, आप इसको एक अच्छी सी डेलिकेट ज्वेलरी के साथ पेयर कीजिए, दिस साड़ी विल लुक वेरी वेरी क्लासी, और ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 लाइट वेट साड़ी. और जो भी इसमें अगर थोड़ा भी अगर वेट है वो सिर्फ इसके वर्क का है, कपड़े का तो कोई भी वेट नहीं है इस साड़ी पे. और आप इसको आराम से अपने किसी भी पार्टी में या फिर कोई भी अच्छे से फंक्शन में आप इसको पहन सकते हैं, बहुत ही डेलिकेट ज्वेलरी के साथ आप इसको पेयर करिए एंड दिस विल लुक वेरी वेरी गुड. आई कैन बट मैं आपको इसकी पिक्चर नहीं है तो मैं आपको इसको ओढ़ के बताती हूँ कि ये कैसी लगने वाली है. लाइक दिस दिस विल लुक वेरी क्लासी एंड गुड ऑन यू. आप पहन के देख सकते हैं साड़ी, और दिस इज माई थर्ड साड़ी विच इज़ अ शिफॉन साड़ी विद कुंदन वर्क ऑन इट, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल साड़ी. जरूरी नहीं आप ब्राइट टू बी हो तो आपको सारे रेड और ऐसे ही कलर चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो सारे रेड ऑरेंज और ग्रीन और ऐसे ही कलर है, क्योंकि आई मोस्टली डू माई साड़ी शॉपिंग विद माई ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर जो मेरी नानी है उनके साथ मैं शॉपिंग करती हूँ, एंड शी लाइक्स रेड ऑरेंज पिंक एंड येलो, दीज आर द फोर कलर्स शी वियर्स एंड शी मेड अस ऑल्सो वियर ओनली दोज कलर, सो दीज आर द कलर्स आई हैव. एंड नई नई जब शादी हुई होती है तो ये कलर्स अच्छे भी लगते हैं एंड इनफैक्ट बाद में भी अच्छे लगते हैं, सो दीज आर एवरग्रीन कलर. जो मेरे जो कलेक्शन में जो साड़ीज हैं वो ऐसी साड़ीज हैं जिनका फैशन कभी भी आउट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रोज़ तो साड़ी पहनते नहीं हैं, और ये बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव साड़ीज़ होती है जो हमारी वर्क वाली साड़ी होती है जो हम वेडिंग ट्रॉसियों में इंक्लूड करते हैं. सो आप ध्यान रखिए कि आप ऐसी साड़ी खरीदिए जिनका वर्क बहुत ही भड़कीला ना हो, ऐसा ना हो कि जो बहुत जल्दी फैशन जिसका आउट हो जाए, ये आप ध्यान में रख के हमेशा साड़ी खरीदिए तो इट विल बी बेटर. सो अगेन बीइंग अ ट्रू जयपुराइट, मेरी जो फोर्थ साड़ी है विच इज़ अ बांधनी साड़ी एंड दिस इज अ टिपिकल जयपुराइट साड़ी. ये ओजरिया फैब्रिक पे गोटा पत्ती वर्क की साड़ी है एंड दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल साड़ी. दिस साड़ी वॉज गिफ्टेड बाई माई मामा ऑन माई वेडिंग. हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन होता है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके मामा ही उसको ये चुनड़ी वाली साड़ी ला के देते हैं. इसको बांधनी को हमारे जयपुर में चुनड़ी कहते हैं. दिस लुक्स वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड दिस इज अ एवरग्रीन साड़ी. इस फैब्रिक को ओजरिया फैब्रिक कहते हैं जो कि जयपुर का ही लोकल फैब्रिक है एंड आप देख सकते हैं इसमें ऑल ओवर बांधनी प्रिंट है और उसके साथ गोटा पत्ती की बूटियां हैं एंड बॉर्डर पे ये ऐसा वर्क है. तो ये है मेरी फोर्थ साड़ी एंड दिस इज ऑल्सो अ मस्ट हैव साड़ी फॉर एवरी राजस्थानी ब्राइड टू बी. एंड जिनकी शादी हो चुकी है आई होप उन सबके पास तो होगी ये साड़ी. और ये साड़ी मैंने जयपुर के लालजी साड़ मार्केट से ली है विच इज़ अ वेरी फेमस साड़ी मार्केट इन जयपुर, जहाँ पे बहुत ही अच्छी साड़ीज़ मिलती है. हालांकि थोड़ी कॉमन होती है बट जो ऐसे क्लासिक पीस होते हैं ये तो सबके पास ही होते हैं, तो वहाँ से लेना थोड़ा चीपर और अच्छा ऑप्शन रहता है. मैंने ये लालजी साड़ के रास्ते से ये साड़ी ली थी. मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट साड़ी विच इज़ अ पिंक कलर साड़ी, पिंक एंड वाइट कलर साड़ी एंड दिस इज़ अ टिपिकल पार्टी वेयर साड़ी. मतलब दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल साड़ी, दिस इज अ पार्टी वेयर साड़ी. और मेरे पास अपने वार्डरोब में 99% कपड़े सिर्फ पिंक कलर के हैं. यहाँ पे भी एक पीच आया है आपने देखा होगा, तो मेरे पास सारे कपड़े पिंक कलर के हैं एंड
ऐसा नहीं है कि मेरा फेवरेट कलर पिंक है, बट बता नहीं क्यों मैं हमेशा पिंक कलर ही लेकर आ जाती हूँ मार्केट से जाके. सो इस साड़ी की बात करते हैं. इसके बॉर्डर्स, इसके बॉर्डर पे ट्यूबलाइट वर्क हुआ हुआ है एंड बीच में ये क्रिस्टल का वर्क हो रखा है. जो पिंक वाला पार्ट है उस पर ऐसे फ्लावर वाला वर्क हो रखा है और जो व्हाइट वाला पार्ट है इस पर ये डॉट डॉट, इट्स काइंड ऑफ मुकेश वर्क और इसको सीक्वेंस का वर्क भी हम बोल सकते हैं. सो दिस इज द साड़ी एंड दिस ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. आप कोई भी पार्टी में अगर जा रहे हैं, दैट इज कोई ऑफिस पार्टी है या फिर कोई अगर आप अपने हस्बैंड के साथ किसी अच्छी सी पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ट्रेडिशनल लुक नहीं चाहिए होता है, तो आप ये साड़ी डायमंड ज्वेलरी के साथ पेयर कर सकते हैं. दिस लुक वेरी वेरी क्लासी ऑन यू एंड दिस इज ऑल्सो ए लाइट वेट साड़ी. ये जॉर्जेट फेब्रिक पे बनी हुई साड़ी and this looks very very beautiful. आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से कलर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है. जो इसका पिंक वाला पार्ट है वो ऊपर होता है और जो व्हाइट वाला पार्ट है वो नीचे रहता है. सो दिस साड़ी लुक्स लाइक दिस एंड दिस लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुल. आप ऐसी एक मतलब ऐसी फैशनेबल ट्रेंडी साड़ी भी ले सकते हैं ट्रॉसिंग में. इसका भी फैशन कभी आउट नहीं हुआ क्योंकि इसमें ऑल ओवर वर्क है एंड दिस वर्क इज ऑल्सो वेरी सटल येट वेरी एलिगेंट और साथ ही साथ आपको ये बिल्कुल भी फीका भी नहीं दिखाएगा. एंड आप देख सकते हैं कि दिस साड़ी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल. दीज ऑल आर माई फाइव साड़ीज. मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ वापस से. So this is the first one which is a classic gota patti sari. Second one is this pure kanjivaram sari. Ye thodi ulti pulti ho gayi hai, koi baat nahi. Ye pure kanjivaram sari. Third one is my chiffon ki ye jo kundan work sari hai. Third one is this. Fourth one is my ojariya sari, that is a bandhani sari. Fourth one is this and last but not the least, this is the game changer of the video. So sari traditional sarees ke baad ek bahut hi sundar party wear white and pink sari which is a crystal work sari jo ki meri bahut favorite sari hai and these are the five sari which every Indian bride to be must have. And aap inko matlab you can manage mix and match, aap in sarees ka alag alag blouses ke sath inko pair up karke inka मतलब अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं और इनको अच्छी अच्छी ज्वेलरीज के साथ पहन के आप लुक क्रिएट कर सकते हैं. एंड दीज विल लुक वेरी वेरी क्लासी क्योंकि हम आजकल की जो लड़कियां होती हैं, मेरे कहने का मतलब है हम बहुत ज़्यादा साड़ी तो पहनते ही नहीं हैं, तो जो भी हम साड़ीज़ खरीदते हैं वो बहुत ही क्लासिक होंगी और उनका वर्क बिल्कुल सटल हुआ ऐसा वर्क होगा जो आउट फैशन नहीं होने वाला होगा, तो वो साड़ीज़ हमारे लिए ज़्यादा वर्क करेंगी बिकॉज हम इतना अपना मनी इन्वेस्ट करें तो इट शुड बी वर्थ इट कि हम उसको 4-5-10 साल तक तो एटलीस्ट पहने ही. तो ये साड़ीज जो मैंने आपको दिखाई ये बहुत ही क्लासिक साड़ीज हैं. आगे आप मुझे बता सकते हैं आप किस टाइप के और वीडियो देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड बाय.